गोवर्धन परिक्रमा मार्ग में अखिलेश यादव द्वारा किया गया शिलान्यास की शिला पट्टिका टूटी। सपा नेताओं में रोष व्याप्त, योगी सरकार पर साधा निशाना। मंगलवार की देर रात को जतिपुरा परिक्रमा मार्ग स्थित रामानंद वाटिका के सामने लोकार्पण शिला पट्टिका लगी हुई थी, जो कि सपा सरकार ने लगाई थी। मंगलवार की देर रात्रि को किसी अज्ञात व्यक्तियों द्वारा सिलावट का तोड़ दिया गया तो सपा नेताओं में रोष व्याप्त है। सपा नेता प्रदीप चौधरी अपने कार्यकर्ताओं के साथ थाना गोवर्धन पहुंचे, जहां सीओ गोवर्धन से मुलाकात की और लिखित में शिकायत दर्ज की। कि सपा नेता प्रदीप चौधरी का कहना है कि कुछ अजराग तत्वों द्वारा इस घटना को अंजाम दिया गया है, तो वहीं बीजेपी सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। तो वहीं गोवर्धन क्षेत्राधिकारी रविकांत पाराशर ने आश्वासन देते हुए कहा कि 3 दिन के अंदर वही मौका पर दोबारा से उसी रूप से पट्टिका को जल्द लगवा दिया जाएगा। इस बात से सपा नेता सहमत हुए। सर आज थाने आए हैं, क्या मामला है जरा बताएं। समाजवादी पार्टी सरकार में माननीय अखिलेश यादव जी द्वारा अपने मुख्यमंत्री कार्यकाल में गोवर्धन विधानसभा क्षेत्र में और गोवर्धन में इतने विकास कार्य कराए कि लगातार विकासों की झड़ी लग गई। आज दूसरी सरकार है और दूषित मानसिकता के लोगों की सरकार है। गोवर्धन जतिपुरा परिक्रमा मार्ग में 11/3/2015 को पारिजात का कल्पवृक्ष जिसको कहते हैं, जिसकी इतिहासों में लेख है, कुंती जी उसकी पूजा किया करती थी, महाभारत में भागवत में उसका लेख है, पारिजात के 101वें पौधे का, जो कि वो प्रजाति विलुप्त हो गई थी। माननीय अखिलेश यादव जी ने दोबारा से उनको उत्पत्ति कराई पारिजात के पौधे की, और 101वां पौधा जतिपुरा स्थित परिक्रमा मार्ग में रोपण हुआ था 11/3/2015 को काफ़ी, और उस पर एक बहुत बड़ी शिला रखवा करके शिला लेख भी लगवाया था, पूरा वर्णन था उसमें उसके के क्या महत्वता है पारिजात के पौधे की। लेकिन कुछ दूषित मानसिकता के लोगों ने उस शिला को भी गिरा दिया, और जो लोकार्पण की हुई शिला पटका माननीय अखिलेश यादव जी की लगी हुई थी कल रात को, उसको बुरी तरह से छित बिछित करके तोड़ दिया गया है। आज हम लोगों को सुबह मालूम पड़ा, 7 बजे हम लोग आए मौके पर, वहाँ भी गए, गोवर्धन आए और हमने अधिकारियों से वार्ता की है, थाने में हमने तहरीर दी, हमारा मुकदमा लिख लिया गया है, और जिला प्रशासन, जिला कलेक्टर महोदय, SSP महोदय, सभी प्रशासन द्वारा आश्वासन दिया गया है कि 3 दिन के अंदर जैसी शिला पट्टिका लगी थी उन्हें स्थापित करा दी जाएगी। तो हम धन्यवाद देते हैं प्रशासन का कि हमारा मुकदमा लिखा गया, लेकिन अगर 3 दिन में शिला पट्टिका नहीं लगती है, उसी स्थिति में दोबारा से पुनः स्थापित नहीं होती है, तो समाजवादी पार्टी का एक एक कार्यकर्ता आंदोलन करेगा, धरना करेगा, प्रदर्शन करेगा, और जब तक शिला पट्टिका नहीं लग जाएगी तब तक हम लोग चुप नहीं बैठेंगे, क्योंकि ऐसे लोग सरकार में हैं जो विकास नहीं कर सकते, केवल दूसरे के काम का फीता काट सकते हैं, दूसरे के काम को दबाने का काम करते हैं, पेंट करने का काम करते हैं, शिला पट्टिका बदलने का काम करते हैं। मैं बता देना चाहता हूँ उन लोगों को कि विकास पुरुष जिसके पीछे लगा है उसका नाम अखिलेश यादव है। आप कितना भी विनाश की बात कर लीजिए, कितना भी आप जोर लगा लीजिए, अखिलेश यादव के नाम को नहीं मिटा पाओगे। अखिलेश यादव लोगों के दिल में राज करते हैं, और विकास पूरा गोवर्धन क्षेत्र कहता है कि जो विकास समाजवादी सरकार ने कराया, इस सरकार ने उसे मिटाने का काम किया, चाहे फोर लेन हो, चाहे बाईपास हो, तमाम ऐसी योजना है जो आज बंद कर दी गई हैं, और अब अगर कुछ ये कर नहीं पा रहे हैं, क्योंकि परिक्रमार्थी में पूरे विश्व का आदमी आता है, और जब देखता है चारों ओर अखिलेश यादव जी की पट्टिका लगी है तो तारीफ करता हुआ जाता है। कुछ विरोधी लोगों को, दूषित मानसिकता के लोगों को वो अच्छा नहीं लग रहा है, इसीलिए उन पट्टिकाओं को तोड़ने का काम किया जा रहा है, अखिलेश यादव के नाम को हटाने का काम किया जा रहा है। लेकिन हम बता देना चाहते हैं आज मुकदमा लिख गया है, जल्द प्रशासन से मांग गिरफ्तारी की करेंगे, गिरफ्तारी हो, पट्टिका लगे, ऐसी मांग को लेकर आज हमने मुकदमा दर्ज करा दिया।